हे गाइस, ये है टाइटन का एलसीडी वॉल क्लॉक। एल्युमिनियम बॉडी के साथ ये वॉल क्लॉक अवेलेबल है और इस वॉल क्लॉक का एलसीडी टाइम जो है, मैं अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देता हूँ। उससे पहले इसके प्राइस को जान लेते हैं। ये वॉल क्लॉक 2495 का है। बैक साइड पे अगर आप देखें, इसकी जो मैकेनिज्म है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मैकेनिज्म है। यहाँ पे आप इसकी एलसीडी की सेटिंग करेंगे। जो इसमें बैटरी इंस्टॉल्ड होती है वो ये है, ट्रिपल ए बैटरी है। बाकी जितने भी आप वॉल क्लॉक देखते हैं उनमें डबल ए बैटरी अवेलेबल होती है, यहाँ पे ट्रिपल ए बैटरी है। इसके बैक पे अगर देखें तो तीन बटन दिए हुए हैं, सेट अप एंड डाउन। सेट बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपका टाइम ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। अप एंड डाउन से आपने उसकी सेटिंग करनी है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम सेट बटन को प्रेस कर लेते हैं, तो सेट बटन को प्रेस करके रखना है। प्रेस किया उसके बाद आप यहां देख सकते हैं जो ईयर है वो ब्लिंक हो रहा है। अगर आपका ईयर की कॉन्फ़िगरेशन ठीक है तो कंटिन्यूसली सेट कर दीजिए, आइदर अप एंड डाउन से इसकी सेटिंग कर लीजिए। जैसे आप इसको चेंज करेंगे, आप देखेंगे यहां पे डे भी इसकी चेंजिंग हो रही है। ईयर सेट करने के बाद सेट बटन को अगेन प्रेस करेंगे तो मंथ की सेटिंग आएगी। अप डाउन से आप इसको भी आपका करंट मंथ सेट कर लीजिए। ऐसे ही डेट की भी सेटिंग आपने ऐसे ही अप डाउन से कर लेनी है। अभी मेरा जो करंट टाइम है वो 4 PM है, तो मैं यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे 4:05 हुए हैं। तो मैं सेट बटन से नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता हूँ और डाउन बटन से इसे 4 PM कर देता हूँ। 4 PM कर दिया, इसके बाद सेट बटन से आप बाहर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो मेरी सेटिंग्स है यहाँ पे, वो आपकी करंट टाइमिंग के अकॉर्डिंगली सेट हो चुकी है। तो ये बड़ा ही इजी प्रोसेस है इसका टाइम कॉन्फ़िगरेशंस का। अगर आपको टाइटन के किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या इसकी वारंटी के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।